हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो है जीके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। अगर आप एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, SSR, AA, MR का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की कुल भूमि में 90% भाग में वन है? तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है असम, डी है मिज़ोरम। तो इसका ऑप्शन है डी, मिज़ोरम। में क्या है कि बहुत ज़्यादा वन है, जनसंख्या बहुत कम है और वन बहुत ज़्यादा है मिज़ोरम राज्य में। तो देखिए क्या किया करो आप, कैसे क्वेश्चन किया करो आप, पहले सोचा करो कि इसका ऑप्शन कौन सा है और पेन रफ लिख कर बैठा करो और देखा करो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट हुए, कितने गलत। ये भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य स्थल सेना में कौन सा पद होता है? तो जैसा कि ऑप्शन दिया गया है, ए मेजर, बी लेफ्टिनेंट कर्नल, सी कप्तान, डी कर्नल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजर जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट कमांडर नौसेना के पद के समान होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी महिला या पुरुष को खेल में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है भीम, बी है अर्जुन, सी है राजीव गांधी खेल रत्न, डी है द्रोणाचार्य। तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है वो विशेष योग्यता, मतलब कि बहुत सम्मानित पुरस्कार होता है। जब आप अच्छा कहीं खेल खेलते हो देश के लिए तो ये आपको पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। अगर आप दो तीन बार वीडियो देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे, फिर कहीं ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज़ व्यक्ति की अध्यक्षता में हुई है? जैसा कि ए ऑप्शन है डूरंड, बी है मैकमोहन, सी है रेड क्लिफ, डी है माउंटबेटन। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि सी इसका ऑप्शन सही है। रेड क्लिफ जो थे उन्होंने भारत और पाक के बीच सीमा का निर्धारण किया था। और अगर मैं पूछूं कि डूरंड किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच ये रेखा है, तो आप कहोगे अफगानिस्तान। और मैकमोहन ये है भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो ये भी याद कर लेना, पूछे जा सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने का लॉर्ड मैकाले की घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल के समय आया? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड बैटिंग, बी है डलहौजी, सी है वॉरेन हेस्टिंग, डी है कैनिंग। तो इसका ऑप्शन है ए लॉर्ड वैटिंग जो थे उनके समय में अंग्रेज़ी का जो शिक्षा का प्रचार था वो करवाया गया था लॉर्ड वैटिंग के समय में। छठवां क्वेश्चन चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, भारत सॉरी सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो ए है दिल्ली, बी है जयपुर, सी है पूना, डी है चेन्नई। तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो दिल्ली में है, इसका ऑप्शन ए सही है, दिल्ली में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त किस देश की राजधानी का नाम दिल्ली है? तो ए ऑप्शन है फिजी, बी है पूर्वी तिमोर, सी है मॉरिशस, डी है जावा। तो इसका ऑप्शन है पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर की राजधानी जो है वो है दिल्ली। दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली है। तो ये ध्यान देना, अगर आए की राजधानी अगर पूछते हैं, हर बार ये क्वेश्चन आता है कि एक राजधानी पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी में, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि देश की राजधानी पूछी जाती है। तो जैसा कि फिजी का राजधानी है सुवा, फिजी की राजधानी जो है वो है सुवा, सुवा है। और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी है जो पोर्ट लुइस है। और इसका भी याद कर लो, जावा की राजधानी जकार्ता है,
जावा का इंडोनेशिया दोनों का राजधानी क्या है? जकार्ता है। ये भी याद रखना कि इंडोनेशिया का भी राजधानी जकार्ता है और जावा की भी राजधानी जकार्ता है। आठवां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? ए है रियन, बी है क्लाइव, सी है हेस्टिंग्स, डी है कैनिंग। तो इसका ऑप्शन है बी, क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का स्थापना का श्रेय दिया जाता है, क्लाइव को। नौवें क्वेश्चन पर चलते हैं। नौवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? ए है सूडान, बी है वेनेजुएला, सी है भारत, डी है तिब्बत। तो इसका ऑप्शन है बी, वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र देश बना? तो जैसे भारत हमारा 1947 को स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, तो उसी प्रकार 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही है। और हाँ, अगर बांग्लादेश के बारे में आपको जितना भी पता हो तो नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि आप जब एक बार कमेंट कर देते हो तो वो आपको याद हो जाता है। तो जैसे कि राजधानी वहाँ का क्या है, प्रधानमंत्री कौन है, तो सब कुछ आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है कौन सा है? ए है मिस, बी है दक्षिणी अफ्रीका, सी है सूडान, डी है कीनिया। तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, सूडान जो है सबसे बड़ा देश है, और सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है, और कीनिया की नौरोबी। तो ये भी ज़रूरी है कि राजधानियाँ भी याद कर लो। मिसी का जैसे है, मिस का काहिरा है, दक्षिण अफ्रीका का है कैप टाउन है। तो ये राजधानियाँ ज़रूरी होती है कि सभी देश की राजधानियाँ याद कर लो। तो ये सारी राजधानी जैसे मिसी की काहिरा, दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन, सूडान का खार्तूम, कीनिया का नौरोबी। तो ये राइट कर लेना कॉपी पर कि इन देश की राजधानी ये है। 12वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी की जुताई कम करनी पड़ती है क्योंकि यह ऊबर होती है, बी सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, सी है इसका स्रोत लावा है, डी है इनमें लोहा तथा एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका ऑप्शन है बी, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जब इसकी जुताई की जाती है तो अच्छी तरह जुताई हो जाती है, कम ही मेहनत करना पड़ता है। तो इसका कॉन्सेप्ट बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका ऑप्शन है सी, उत्तराखंड में टिहरी बांध है और सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। और अगर मैं पूछूं जम्मू कश्मीर क्या अब राज्य है, तो राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसको 31 अक्टूबर 2019 को मतलब केंद्र शासित प्रदेश में घोषित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो ये याद रखना क्योंकि ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित और लद्दाख को भी केंद्र शासित बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित और लद्दाख को एक केंद्र शासित बनाया गया। तो कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है? तो ए है शोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। तो इसका ऑप्शन है ए, शोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व है। और अगर मैं पूछूं जहाज़ किस मंडल में उड़ता है, तो जहाज़ जो है वो समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि समताप मंडल में बादल ये सारी चीज़ें नहीं होती, और जो हवा होती है वो भी नॉर्मल मतलब कि समान वेग से चलती है, तो जिसकी वजह से जहाज़ को उड़ाना नॉर्मल पड़ता है। तो वो चीज़ें हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और हाँ, अगर यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत।